कॉफी खा रहे हैं, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा आप लोग। खाना खाया, कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है इसलिए। क्या खा? कॉफी खा रहे हैं भाई। तो भाई आज का जो ये हमारा बिल्ड है वो है कपिल मेहरोत्रा भाई का, जो कि बिलोंग करते हैं लखनऊ से ही, लोकल के हैं, गजब आदमी हैं। 1,10,000 रुपये में फुल पीसी सेटअप है, राइजन 7 3700X के साथ, 1KV का UPS, कीबोर्ड माउस मॉनिटर। सो व्हाट्स अप हेलो, कैसे हो आप साहब? दिस इज शादाब खान अंकित कुमार शर्मा, वेलकम टू मिस्टर पीसी वाले, द भौकाली फैमिली ऑफ पीसी वाले, द फाड़ू फैमिली ऑफ पीसी वाले। क्यों भाई? तो भाई आज के बिल्ड तो हमने बता दिया आपको भाई, खट्टी टॉफी यार। ठीक, अब ये बिल 1,10,000 का फुल पीसी सेटअप, को नया पीसी बाय करना तो अंकित का नंबर दिया वहां पे, भैया कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, दिल करे तो बाय भी कर लीजिएगा। एक बार जुड़ के देखिए हमसे, मजा ना आए तब कहिएगा आप। कोई फ्रॉड नहीं मिलेगा आपको, कोई लोकल प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, सब ईमानदारी का एक नंबर का GST के साथ मिलेगा। एक पंडित पठान जो हैशटैग है ना, इस हैशटैग की इज्जत रखते हुए मिलेगा आपको, बाकी तो हम लोग बैठे ही हैं। ठीक भाई, चलो फटाफट, अगर चैनल परिवार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नंबर दिया है तो भी कर दीजिएगा। ठीक, टॉफी खा रहे, ज़्यादा बोलने का मन नहीं कर रहा भाई है। चलो पहले जाते हैं, कपड़े यूज़ कर रहे हैं, बहुत ही बेकार टॉफी थाली, पान वाली टॉफी, पान वाली। तो भाई लोग जो सबसे पहला कंपोनेंट हम इसमें यूज़ कर रहे हैं वो है कूलर मास्टर की MWE 450 वाट के SFPS, 80+ ब्रॉन्ज, 5S वारंटी से आती है, फुल सील्ड पैक। ये देखिए A to Z, ये रहा इसका सेल नंबर। ठीक है, अब ये पावर सप्लाई उन्होंने क्यों यूज़ की, क्योंकि 450 वाट इज सफिशियंट फॉर 1650 ग्राफिक कार्ड, और प्राइस की बात करें तो अराउंड 3000 के आसपास ये आपको कॉस्ट करती है। उसके बाद भाई लोग जो उसमें देखिए आपका मदरबोर्ड यूज़ हो रहा है वो है आसूस की तरफ से वाला आसूस प्राइम B550MA Wi-Fi, और ये देखिए इसका सीरियल नंबर रहा, और ये फुल सील्ड पैक, सील खोलते हैं स्कीम। ये देखिए वाईफाई है तो इसमें ये रखा हुआ इसका रिसीवर और एंटेना। ठीक है, ये देखिए रखा हुआ रिसीवर एंटेना, और देखिए मतलब बोर्ड है हमारा 1.4 स्लॉट, सिंगल ATX स्लॉट, 2 NVMe के स्लॉट, और मिड ATX सेगमेंट का मतलब बोर्ड है, फुल ATX नहीं है, लेकिन B550 सीरीज का मतलब बोर्ड है, तो कोई इशू नहीं, फ्यूचर प्रूफ है, आप कभी भी इसमें कुछ भी लगा सकते हैं। और ये देखिए ये रहे इसके IO पोर्ट्स, ये आपके एंटीना बैंड। ठीक है, प्राइस की बात करें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, शायद 11,000-13,000 के आसपास मतलब बोर्ड आता है, आप देख लीजिएगा, इसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, उसके अलावा जो उसमें NVMe यूज़ हो रही है वो XPG की SX8100 SX8100 256 GB की NVMe यूज़ हो रही है, जिसकी रीड स्पीड है अप टू 3500 Mbps और राइट है अप टू 3000 Mbps। ये देखिए सीरियल नंबर, फुल सील्ड पैक। ठीक है, कपिल अपने भाई सारे प्रोडक्ट देख रहे हैं। ठीक, ये देखिए ये NVMe इसमें यूज़ करें, जिसमें हमारी विंडोज़ पड़ेगी और पड़ेंगे बाकी सारे सॉफ्टवेयर्स। उसके अलावा इसमें देखिए 8 GB की 2 RAM यूज़ हो रही है, XPG की XPG Gamix D30 8 GB की 2 sticks। देखिए फुल सील्ड पैक, आपके सामने सील खुलेगी। सॉरी भाई लोग, फ़ोन आ गया था बीच में, इसीलिए फ़ोन कट गया। ठीक है, तो एक मैंने सील ब्रेक कर दी। अब मैं एक रैम दिखाता हूँ आपको, आप लोगों ने ऑलरेडी देखी होगी, तो 3200 MHz में सिंगल स्टिक्स की ये रैम है, 8 GB की 3200 MHz की 16 GB रैम लग रही है, 1,10,000 के बिल्ड के बजट में। ठीक है, और कॉस्ट की बात करें तो अराउंड 3500 लेके 4000 के बीच में इसकी प्राइस वेरी करती है। उसके बाद देखिए इसमें जो प्रोसेसर लग रहा है वो लग रहा है AMD Ryzen 7 3700X, 6 Core 8 Thread, फुल सील्ड पैक। देखिए यहाँ से ये रहा इसका सीरियल नंबर, ये देखिए फुल सील्ड पैक, और ये देखिए पीछे से सील्ड पैक। ठीक, आपके सामने इसे सील ब्रेक करेंगे हम, प्रिज्म कूलर के साथ आता है ये, तो कोई इशू नहीं है ऐसा। ये देखिए प्रिज्म कूलर इसका रखा हुआ ये, और ये रहा हमारा प्रोसेसर Ryzen 7 3700X, और ये रहा इसका कूलर सील्ड पैक, यही इसमें लगेगा क्योंकि इसमें कोई भी AIO नहीं लग रहा है। और कॉस्टिंग की बात करें तो आज की रेट में अराउंड 30,000 के आसपास ये प्रोसेसर मार्केट में सेल आउट हो रहा है। उसके बाद जो इसमें ग्राफिक कार्ड लग रहा है मेन वो है, देखिए काफ़ी महंगा ग्राफिक कार्ड है, काफ़ी कॉस्टली है, आसूस टफ गेमिंग G4 GTX 1650 OC एडिशन है, 4 GB DDR6 बेस्ड, और देखिए ऑटो एक्सट्रीम टेक्नोलॉजी देखिए जो कि 100% ऑटोमेटेड प्रोडक्शन प्रोसेस करता है, और बाकी सील्ड पैक है। ये देखिए ये रहा इसकी प्राइस लिखा है, August 2021 की मैन्युफैक्चरिंग है, और ये देखिए इसका सीरियल नंबर। ठीक, और देखिए सील कहाँ गई इसकी, हाँ ये रही है कि सील पैक, ये देखिए सील। ठीक, अभी मैं आपको सील इसकी ब्रेक करके दिखाता हूँ।
ये देखिए ये सपोर्टिव कुशन दे रखा है इसमें, और उसके अलावा ये है हमारा ग्राफिक कार्ड। देखिए अंदर भी इसमें सील दे रखी है, देखिए ये देखिए ग्राफिक कार्ड है हमारा, डुअल फैन पे आता है ASUS टफ गेमिंग सीरीज का। ठीक, ये इसके आईओ पोर्ट्स रखे हैं तीन, और हीट सिंक काफ़ी अच्छी है, और देखिए लिखा हुआ GeForce RTX टफ गेमिंग का लोगो दे रखा है यहाँ पे, और ये देखिए बैक प्लेट, बैक प्लेट पे भी टफ गेमिंग कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ बढ़िया सा। और कॉस्ट मत पूछिएगा कितनी आ रही है, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, चेक करिएगा आप लोग कि आज की डेट में ये क्या कॉस्टिंग है। कॉस्टिंग छोड़ो, अवेलेबली होना मुश्किल है। तो ये मैंने कंपोनेंट दिखा दिए, आप कैबिनेट दिखाते हैं, बिल्ड करते हैं, फिर मैं आपको मदरबोर्ड के मतलब कीबोर्ड माउस मॉनिटर और UPS बाद में दिखाते हैं। So cliche, I see the sparks you throw my way. I know your name is written on everyone's mind. तो भैया हमारे लखनऊ के नवाब की कैबिनेट अनबॉक्स हो चुकी है, जो कि कूगर मेस 410 है। ये पहले भी हम अनबॉक्स करके दिखा चुके हैं, तो भी आई बटन लगा देना अनबॉक्सिंग का, एक आई बटन जाके पूरी अनबॉक्सिंग देख लीजिएगा। ये डिसेंट कैबिनेट है, आप लोग यही सोचते हो कि आप लोग ये कैबिनेट बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हो, लेकिन भाई ये प्राइस को लेके वर्थ है आपकी। 4400 रुपये की कैबिनेट है, 4 ARGB फैन आते हैं, फ्रंट में 3 फैन दिए हुए हैं, 2 वर्टिकल स्ट्रिप दी हुई है, और प्रॉपर अगर केबल मैनेजमेंट की बात करें तो अच्छी खासी गहराई दी हुई है इसमें, कोई भी केबल आराम से इंक्लूड हो जाती है, और कंट्रोलर के साथ में दी हुई है। तो चलिए फटाफट बिल्ड स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले लगाते हैं इसमें अपने। तो कपिल भाई बंडल आपका रेडी हो चुका है, आपने देख ही लिया इंस्टॉलेशन प्रोसेसर का, फैन का इंस्टॉलेशन कैसे होता है, और रैमो का इंस्टॉलेशन कैसे होता है। आपकी रैम लग गई 8 GB वाली, दो 256 GB की NVMe लग गई, जो कि XBG की 8100 है, रीड राइट इसकी 3503000 होती है, जो कि सैमसंग और WD के इक्विवेलेंट होती है। प्रोसेसर 8 कोर 16 थ्रेड, बेहतरीन बंडल तैयार हो गया। आप बंडल को इंक्लूड करते हैं कैबिनेट में, देखते जाइए। तो कपिल भाई मशीन मेरे हिसाब से 80% रेडी कर दी गई है, बस में बचा हुआ है कनेक्शन बचे हुए हैं, और आपका केबल मैनेजमेंट बचा हुआ है जो अभी करना बाकी है। तो वीडियो में बने रहिएगा भाई, सब करके दिखाते हैं, ऑन भी करते हैं, और इसके हो सकता है बेंचमार्क भी दिखाते हैं आपको, हो सकता है, जाइएगा नहीं बने रहिएगा, सदा भाई ने बोला है हो सकते हैं, ठीक है। तो भाइयों कपिल जी का PC बिल्ट हो गया है, देखने में आपके सामने देख ही रहे लुक कैसा आया है आपका। 3700X 8 कोर 16 थ्रेड का प्रोसेसर, 1650 ग्राफिक कार्ड, 8x2 की रैम है, 16 GB आपकी NVMe, और 1 ARGB पूरी कैबिनेट में, 4 फैन लगे हुए हैं, फ्रंट पे आपकी 2 वर्टिकल स्ट्रिप है, और मेश डिज़ाइन दिया हुआ है, और ओवरऑल आपको बेंचमार्क वगैरह भी मिली जाएंगे, और ये ही साथ में आपका एक मॉनिटर भी है, जिसको 24 इंच का सैमसंग का मॉनिटर है भाई, और ये आपका गेमिंग माउस कीबोर्ड कपिल जी ने ये भी लिया हुआ है, साथ में एक UPS भी है जो ये यहाँ रखा हुआ है। अब UPS तो आप लोगों ने देखा ही होगा, इसका क्या दिखाएंगे UPS का आपको, ठीक है। अब बात करते हैं इसका केबल मैनेजमेंट, ये हुआ है कि नहीं हुआ है, कैसा हुआ है। तो अगर केबल मैनेजमेंट की बात करें, सिंपल सोर अपने तरीके से
भाई जितना हो सकता था उस हिसाब से क्लीन करने की कोशिश की गई है ताकि इन फ्यूचर कोई भी मशीन में इशू ना आए। ठीक है, तो भैया मशीन कैसी लगी है बिल्कुल बताइएगा, और कपिल जी को नई मशीन बहुत बहुत मुबारक हो भाई। ठीक है, और जल्द कपिल जी आके बैठे हुए हैं, हम लोग बस एक बार थोड़ा बहुत आपको दिखा दें और फिर इनको हैंड ओवर कर देते हैं। चलिए फिर देखिए बेंचमार्क, मज़े लीजिए बेंचमार्क के। बेंचमार्क इसलिए दे दिए भाई कि हाँ ये है कि मशीन चल रही है, दौड़ रही है, प्लेन उड़ रहा है, टेस्ट वार बेंचमार्क हो चुके हैं। ठीक है, देखिए भाई बेंचमार्क। तो भाइयों बिल्ट अपना कंप्लीट हो गया है, आप लोगों ने देख लिया 110,000 रुपये में ये कंपोनेंट आए हैं। अपनी तरफ से एक एक कंपोनेंट को दिखाने की भी कोशिश की गई है, आपको विजुअल भी किया है इस चीज़ के लिए, कोशिश की है कि एक छोटा सा बेंचमार्क भी हो गया है। तो मशीन देखने में कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा, और भाई इंस्टा पे फॉलो कर लीजिएगा, आपने देखा ही होगा अगर इंस्टा फॉलो करते हो। सदा भाई की तबीयत ख़राब हो गई है, फिर से बुखार है, फिर से इन द सेंस जब दिल्ली से आया तो बंदा फिर भी ट्रेवल करके आया था तब भी बुखार में था, अब बेचारा रिकवर जैसी हुआ फिर भी गया कल। देख लेना भाई, फॉलो कर लेना जाके इंस्टा पे। सदा भाई की तबीयत ख़राब है, इसी मारे मुझे आना पड़ा आउटरो में बताने के लिए आप लोगों को। ठीक है, और ऐसी अगर पीसी आप परचेस करना चाहते हैं तो वहाँ नंबर दिया हुआ है भाई, टेक्स्ट मैसेज कर लेना। और दूसरी चीज़ भैया, आप लोग जो टेक्स्ट मैसेज करते हो फॉर्म कंप्लीट फिल नहीं करते हो, इसलिए शायद मे बी रिवर्ट नहीं आता होगा। रीज़न ये है कि अगर आप प्रॉपर फॉर्म फिल नहीं करेंगे तो मुझे नहीं पता चलेगा कि आप मुझसे क्या चाहते हो, आपको चाहिए क्या और किस टाइप का पीसी चाहिए। तो प्लीज़ फॉर्म भी फिल कर लीजिएगा। अब वो लाउड कर लेना यार तुम, यार भाई इतनी आवाज़ निकल रही, मेरी भी तबीयत इतनी अच्छी है नहीं, लाउड नहीं बोल पाएंगे भाई, इतना ही बोल पाएंगे बता रहे हैं। तो भाई और भाई, तो अगर सही लगा हो, मेहनत लगी हो, तो भाई प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और ऐसी अच्छी अच्छी पीसी देखने के लिए हमेशा भैया नोटिफिकेशन पाने के लिए क्लिक भी कर दीजिएगा सब्सक्राइब पे। तो भैया वीडियो यहीं फिनिश करें, चलते हैं भाई। ठीक है, तो एज ऑलवेज मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और ऐसी दोस्ती बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सही क्या सूफी, गलत तो नहीं, कुछ ऊपर नीचे तो नहीं? तो भैया चल रहे हैं, भैया जान छोड़ो, वो हो गया आउट्रो। ठीक है, बाय।